अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अभी हम लोग आपसे शेयर करेंगे नम्स, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनके अंडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट आते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 10 जो है एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं, और इसी तरह जो मेडिकल स्पेशलिटी के साथ जो इंस्टीट्यूट है वो 12 है, और इनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स, और आप लोग देख सकते हैं कि टोटल नंबर फिगर यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर प्रोवाइडेड है। इनकी तरफ से एक अपडेट आई है, इनका जो नम्स का जो टेस्ट होगा, जो कि एमडी कैट के बाद दूसरा पाकिस्तान के सबसे बड़ा मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का एडमिशन टेस्ट होता है, उसके हवाले से आपको पता चले कि ये इनकी जो टेस्ट होना है वो 3 अक्टूबर को होना है, संडे को सुबह 10 बजे, और इनका जो एडमिट कार्ड और रोल नंबर स्लिप जो है वो 24 सितंबर को जो है फ्राइडे को वो जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, वो स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि इनका जो एंटी टेस्ट का पैटर्न है वो उनकी वेबसाइट में प्रोवाइडेड है। ये टेस्ट जो है वो प्रॉपर रिटन फॉर्म के अंदर होगा, ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता, और इनका जो सब्जेक्टिव बेस्ड जो टेस्ट है उसमें 150 MCQs होते हैं और 150 मिनट्स दिए जाते हैं, जिसमें 60 MCQs जो बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के 25% और फिजिक्स के 25% और इंग्लिश के 10% MCQs होते हैं, और इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है जिसमें 50 MCQs होते हैं और 30 मिनट्स दिए जाते हैं। इसमें जो है कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन इसमें पास होना लाजमी होता है। स्टूडेंट्स का टेस्ट जो है वो 10 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 7 बजे है, और 9:30 बजे जो है वो टेस्ट सेंटर क्लोज कर दिया जाएगा, कोई स्टूडेंट नहीं एंटर हो सकेगा। और इसके अलावा जो है इनके बाद इनका फिर रिजल्ट भी वो आ जाएगा इनकी वेबसाइट के ऊपर, वो भी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। लेकिन नम्स के लिए आपके एमडी कैट जो है पास होना लाजमी है, 65% जो है वो लाजमी आपके मार्क्स हो गए, तब जाके आप लोग नम्स के लिए एलिजिबल हो गए। इसके अलावा फर्दर इनकी अपडेट्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो नम्स का टेस्ट होगा वो इनके तमाम मेडिकल कॉलेजेस में जो सोशल साइंसेज, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी, बीएस पब्लिक हेल्थ, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन, और ये और बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये तमाम के लिए वैलिड होता है। और इसमें जो आप लोग देख सकते हैं कि इनकी फीस वगैरह आप लोग जो है वो जमा करा चुके होंगे, तब आपको जो है वो ये मिल जाएगा। इनके एडमिट कार्ड जो है वो 24 सितंबर से स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, और इनके लिए जो है वो एमडी कैट की लाजमी शर्त है। फर्दर आप लोग जो है इसमें आप लोग लाजमी इसमें टेस्ट दें, आपको जो है इसमें काफ़ी अच्छे इनके मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्पेशली आर्मी मेडिकल कॉलेज, और इसके अलावा जो CMH लाहौर, CMH वहाँ कैब, वहाँ मेडिकल कॉलेज, और CMH मुल्तान, और मुख्तलिफ जो कि कोयटा के अंदर है, खारिया के अंदर है, ये तमाम मेडिकल कॉलेज जो है वो इनके अंडर आते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छी जो है स्टूडेंट्स के लिए वो स्टडीज़ होती हैं, और फर्दर इनके काफ़ी अच्छी रैंकिंग भी होती है। फर्दर जो भी इसके अलावा अपडेट है कि हम लोग आपसे शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद भी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।